हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने राजस्थान के बावड़ी के बारे में एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में। साथ ही हमने कुछ प्रकार को भी समझा था, बावड़ी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और बावड़ियों का बनाना किस उद्देश्य के लिए बनाया गया। इस तरह तरह की तमाम बातों को हमने समझने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ और प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं जो ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आज अभयनेर की चांद बावड़ी से। आपको मैं बता दूं कि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसे ज़रूर देखें ताकि एक बैकग्राउंड को समझने के लिए बहुत मदद मिलेगी आपको कि कैसे बैकग्राउंड बना था। अभयनेर की चांद बावड़ी, इसका जो लोकेशन की बात करें ज्योग्राफिकली, तो ज्योग्राफिकली इसका लोकेशन है दौसा में। दौसा जयपुर के पास स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दौसा एक शहर है राजस्थान का। यह शहर गुर्जर प्रतिहार कला के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो इस शहर में बहुत महत्वपूर्ण है ये विश्व स्तरीय बावड़ी, जिसे हम चांद बावड़ी के नाम से जाना जाते हैं, अभयनेर की चांद बावड़ी। यह बावड़ी बिल्कुल तिलस्मी है और कई तरह की इसके बारे में कथाएं जुड़ी हैं कि यह कैसे डेवलप हुई, एक दिन में बनी। कई लोगों ने बोला कि ये एक तरह से चमत्कारिक बावड़ी है, यहाँ पर जो मनोकामना पूरी करते हैं, बोलते हैं, वो पूरी होती है। तो कई तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, कई तरह की किंवदंती हमें देखने को मिलती है। तो चांद बावड़ी की स्थापत्य को समझें तो सबसे पहले चांद बावड़ी की स्थापत्य की बात आए तो यहाँ पर तक्षण कला और मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना हमें देखने को मिलता है। तक्षण कला और मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना हमें देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार काल की यह बावड़ी है और यहाँ पे जो कला सौष्ठव है, कला का जो शिल्प है, वो बिल्कुल नायाब है, बिल्कुल बेजोड़ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस, इसके बारे में कुछ विशेषता हो सकती है कि चांद बावड़ी की विशेषता में देखें तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार काल का यह बेजोड़ नमूना है। तक्षण कला और मूर्ति कला का भी शानदार उदाहरण है। यहीं से हम बात करें तो खजुराहो का भी कहीं कहीं इस पर प्रभाव दिखता है। खजुराहो की जो मूर्ति कला है उसका भी प्रभाव हमें चांद बावड़ी में देखने को मिलता है और चांद बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम वापस आते हैं दौसा पर। तो दौसा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि दौसा में पहली बात तो एक सबसे बड़ी एक बावड़ी है, बहुत गहरी ही है, इसे चांद बावड़ी कहा जाता है और हर्ष माता का मंदिर है जो दौसा में अवस्थित है। अब समझते हैं चांद बावड़ी का इतिहास क्या है। चांद बावड़ी का इतिहास यह है कि यह गुर्जर प्रतिहार काल में बनी है। इसको बनाने वाले थे निकुंभ क्षत्रिय राजा चंद द्वारा इसे बनाया गया है और एक तरह से इसे तिलस्मी बावड़ी, कल्पनीय बावड़ी कहा जाता है, जो मनोकामना कहते हैं वो पूर्ण होती है, ऐसी कई तरह की मान्यता हमें देखने को मिलती है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है चांद बावड़ी में और ये बहुत पसंदीदा केंद्र रहा है फिल्म निर्माताओं का, जो यहाँ पर शूटिंग करने में हमेशा आते रहते हैं। जैसा कि एक फिल्म थी पहेली, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की बावड़ी का चित्रांकन किया गया है। प्रवेश द्वार की बात करें इसके स्थापत्य में, तो प्रवेश द्वार एक है और लोग लघु द्वार भी हैं। तो एक प्रवेश द्वार और दो लघु द्वार हैं जिसका नाम है अंधेरी और उजाली। ये दोनों ही लघु द्वार के रूप में माने जाते हैं। अब बात करते हैं अगली बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। उससे पहले आप इसका फोटो देख लीजिए। चांद बावड़ी का पिक्चर ये है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से महिलाएं यहाँ से पानी लेने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी फिल्म का दृश्य हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रानी जी की वाव या रानी जी की बावड़ी। ये रानी की वाव गुजरात की जो बावड़ी है उससे अलग है। ये इसका लोकेशन की बात करें तो ये बूंदी में अवस्थित है रानी जी की बावड़ी। बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, मतलब बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगर एक तथ्यात्मक प्रश्न में पूछा जाए कभी, प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ वेल्स क्या है, तो बूंदी शहर सिटी ऑफ वेल्स है। इसकी गणना एशिया की बेस्ट बावड़ियों में की जाती है। इसकी गणना एशिया की बेस्ट बावड़ियों में की जाती है। इसका निर्माण 1699 में राजा अनिरुद्ध की पत्नी लाड़ कंवर नाथावती द्वारा किया गया था। राजा अनिरुद्ध की पत्नी लाड़ कंवर नाथावती द्वारा किया गया था। कलात्मक बावड़ी के तीन द्रोण द्वार हैं और ये जो बावड़ी है रानी जी की वाव, इसकी जो बनावट है, शिल्प है,
इसका जो सीढ़ियों की जो श्रृंखला है, जो मूर्तिकला का जो रूप है वो बिल्कुल मनमोहक है। और यह भव्य बावड़ी लगभग 300 फीट लंबी है, 40 फीट चौड़ी और 200 फीट गहरी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल कलात्मक तोरण द्वार यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। इसका जो कला सौष्ठव है, जो कला की जो कृतियाँ हैं वो बिल्कुल एक तरह से नायाब है, और एक तरह से यह स्वर्ग की अनुभूति कराने जैसी है। अब बात करते हैं अगली बावड़ी की, भावल देवी की बावड़ी। भावल देवी की बावड़ी का जो निर्माता था, महाराजा भाव सिंह की पत्नी भावल देवी थी। निर्माता कौन थे? भाव सिंह की पत्नी भावल देवी, जो कि बूंदी के शासक थे भाव सिंह, उनकी पत्नी भावल देवी ने इसका निर्माण किया था। तो इसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो हमें बूंदी में देखने को मिलता है भावल देवी की बावड़ी का। एल आकार का इसका आर्किटेक्चर है। बिल्कुल ये आर्किटेक्चर में एल आकार की शेप में बनाया गया है, जिसमें हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें शिल्प देखने को मिलेगा, यहाँ वास्तुकला देखने को मिलेगी, यहाँ पे मेहराब, तोरण द्वार, मूर्ति शिल्प, तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। भावल देवी की जो बावड़ी है उसको बनाने वाले कारीगर का नाम क्या था? तो राव जी उस्ता। इस बावड़ी की विशेषता यह भी है कि इस बावड़ी को जिस जिसने बनाने में सहयोग किया है उन सभी का नाम इस बावड़ी में उत्कीर्ण किया गया है, लिखा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भावल देव की बावड़ी कि सभी लोगों को यहाँ वरीयता दी गई और सभी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम कर रहे थे, संगठन जैसे काम कर रहे थे। तो राव जी उस्ता भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भावल देवड़ी को, बावड़ी को बनाने वाले। अब समझते हैं अगली बावड़ी, काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी का लोकेशन देख लेते हैं, बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी शहर में है, इंद्रगढ़ में इसका लोकेशन है। जल स्थापत्य के लिए बहुत बेजोड़ नमूना है ये भी। और इसके जो निर्माता था या निर्माता थी, रानी आली थी, जो कि गढ़पति, जो गढ़ के जो गढ़ की रक्षा करने वाले व्यक्ति का नाम था गढ़पति। तो गढ़ की रक्षा करने वाला जो सैनिक, जो सरदार होता था, उसे गढ़पति कहते थे। और इस सरदार का नाम था सरदार सिंह, इनकी पत्नी थी रानी आली, उसी ने काकी जी की बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। अगली बावड़ी देखते हैं, त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी का जो लोकेशन है वो उदयपुर में अवस्थित है, राजस्थान का उदयपुर शहर। इसके निर्माता की बात करें तो महाराजा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण कराया था। तो महाराजा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण कराया था। तीनों ओर से यह सीढ़ियों बनी हुई है, सीढ़ियों से घिरी हुई है बावड़ी, और प्रत्येक दिशा में तीन खंडों में बटी हुई है। तो ये बावड़ी में नौ की जो डिजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि हम बात करेंगे कि नौ चौकी राजस्थान में जो हमें स्थापत्य जो विशेषता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ज्यों की तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी त्रिमुखी बावड़ी में। तो राम रसदे और राज सिंह का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आप फिर देखने को मिलता है। मतलब राज सिंह के स्थापत्य को समझने के लिए आपको नौ चौकी से लेकर त्रिमुखी बावड़ी में सभी में जाके आप हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि नौ का जो संबंध है, नौ डिजिट का जो संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से बात करें तो प्रत्येक खंड में तीन, प्रत्येक तीनों खंड में नौ सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, और अंतिम छोर पे आपको एक चबूतरा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा नौ चौकी को, तो नौ चौकी जरूर देखें आप इंटरनेट पर सर्च करके। नौ चौकी का लोकेशन, नौ चौकी की जो पिक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चबूतरे पर एक मंडप देखने को मिलेगा। मंडप उसे ही कहते हैं जो चारों ओर से चार पाँच छः सात खंभों द्वारा बनाया जाता है। ऊपर एक छत होती है जिसे पत्थर की बनाई जाती है। और यह कला सौष्ठव हमें राजस्थान के अमूमन हर जगह देखने को मिलता है। तो मंडप आपने देखे होंगे, उसे समझ सकते हैं कि मंडप किस तरह की बनावट का होता है। तो चबूतरे पर एक तरह से आपको मंडप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी नौ जो आंकड़ा है, नौ चौकी का जो बात है, नौ स्तंभों की बात है, वो देखने को आपको मिलेगी। इस तरह से ये त्रिमुखी बावड़ी भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, इसका आर्किटेक्चर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौ चौकी थी उसका जो प्रशस्तिकार था वो रणछोड़ भट्ट था। तो लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि त्रिमुखी बावड़ी का जो शिल्पी कौन था, तो नांडू गौड़ कहीं ना कहीं रहा होगा। इसमें पूरी जानकारी नहीं है इतिहास में, लेकिन नौ चौकी से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये हम मान सकते हैं रणछोड़ भट्ट का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिला है। इस तरह से हमने राजस्थान की आज पांच बावड़ियों को कवर करने की कोशिश की है। पहली बावड़ी थी आभानेरे की चांद बावड़ी, जिसके बारे में हमने समझा कि गुर्जर प्रतिहार काल का बेजोड़ नमूना है। उसके बाद चांद बावड़ी को समझने के बाद हमने देखा कि रानी जी की बावड़ी, जो कि बूंदी शहर में है, और बूंदी शहर को सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है।
इसके बाद हमने देखा भावल देव की बावड़ी, यह भी बूंदी शहर में अवस्थित है और भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने इसे बनाया था। काकी जी की बावड़ी जो कि बूंदी शहर में स्थित है इंद्रगढ़ के आसपास, और ये जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गणपति सरदार सिंह की पत्नी थी रानी आली, उन्होंने बनाया था। त्रिमुखी बावड़ी महाराजा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने बनाया था। तो तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे वो सभी तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।